यस वेलकम टू टेलीचेस का अगेन। एंड आपका नया सॉन्ग आया है, काफी पेपी नंबर है, पार्टी नंबर है, सो शूट करते हुए कितना मजा आया। नहीं, पेपी नंबर है तो एक्चुअली लोगों को लग रहा है शूट करते हुए तो बहुत बहुत मजा आया, बट एक्चुअली मजा आया बट सर्दी इतनी थी बिकॉज हमने विंटर्स में शूट किया है चंडीगढ़ में, ये न्यू ईयर्स ईव के पहले शूट किया है 31 दिसंबर, तो एंडिंग था 2020 को, तो इट वाज लाइक अ वेरी नाइस गुड बाय टू 2020। पार्टी करते करते हमने 2020 को बाय बाय किया, सो बहुत मजा आया एंड डेंजरस इज क्वाइट डेंजरस एंड काफी डेंजरस रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मजा आ रहा है। एंड श्रे एंड मी लाइक वी शेयर अ गुड बॉन्ड, हमने 4 साल पहले जहाँ तुम हो किया था, सो एंड श्रे इज लाइक अ वन मैन आर्मी, म्यूजिक उनका है, लिरिक्स श्रे के हैं, एक्ट श्रे खुद कर रहे हैं, ही इज द सिंगर, सो आई थिंक इट वाज सो नाइस टू वर्क विद सच अ नाइस इंडिपेंडेंट टैलेंटेड आर्टिस्ट। एंड उन्होंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे ये रिलीज किया है जबकि इट्स नॉट अ ब्रांड नॉट अ बैनर, एंड स्टिल टू गेट दिस रिस्पॉन्स आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। सो मैं बहुत खुश हूँ कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड एनकरेज कर रहे हैं विद सच न्यू गुड आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद श्रे अगेन एंड मैं आगे भी करना चाहूंगी। यस एब्सोल्युटली। तो जैसा आपने बताया कि 30/31 को ये सॉन्ग शूट हुआ था, यस तो आपके न्यू ईयर की शुरुआत तो काफी धमाकेदार रही होगी। यस आई थिंक न्यू ईयर तो लाइक सबका ही इस बार थोड़ा सा ठंडा गया है तो आई थिंक हमारा भी, बट लाइक आई टोल्ड यू गुड बाय बहुत अच्छा रहा मेरा, तो आखिरी दिन भी मैंने काम किया 2020 को बाय बाय पार्टी करते करते बोला है एंड सो इट वॉज फन एंड दिस ईयर बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ। काफी काम कर रही हूँ मैं, 2 वेब सीरीज का शूट कर रही हूँ, काफी सॉन्ग्स मेरे आ रहे हैं बैक टू बैक, सो आई एम हैप्पी कि ये साल अनलाइक 2020 वैसा नहीं है एंड काफी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं लाइफ में, काफी एक्साइटिंग जा रहा है एंड अभी मार्च ही है, आई होप आगे भी ऐसा ही जाए ये साल। Yes, we also hope that हमें आपके अलग-अलग रोल्स देखने मिले। बट आपने जी अभी वेब सीरीज का जिक्र किया है, तो वेब सीरीज कौन सी आने वाली है, थोड़ा अगर कुछ डिटेल्स बता सके तो आपका क्या रोल होने वाला है, कितना अलग होने। जी लाइक मैंने जैसे शेयर किया था जब मेरी और रणदीप हुडा की न्यूज बाहर आई, जब मैंने शेयर किया कि मैं अपनी पहला डेब्यू रणदीप हुडा के साथ जियो की सीरीज के साथ कर रही हूँ, तो ये मेरा पहला सीरीज होने वाला है एंड मैंने अपना शूट इसके साथ स्टार्ट किया। मेरा दूसरा सीरीज अमेजोन प्राइम का है जो मैं शूट कर रही हूँ, दोनों ही कैरेक्टर्स जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे से एंड लुक दोनों में ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है एंड अविनाश इंस्पेक्टर जो रणदीप हुडा वाली सीरीज का नाम है, आई थिंक वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है सारे कैरेक्टर्स, मेरा भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसी रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है एंड फिर हमने उसको क्रिएट किया है, अपने इनपुट्स डाले, तो आई थिंक काफी टीम की मेहनत है। बहुत मजा आया मुझे रणदीप के साथ शूट करने में, स्पेशली ऐसा लगा नहीं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ उनके काम की, स्पेशली आई लव हिज वर्क एंड हॉट तो रणदीप है ही, सो आई एम ग्लैड कि मैंने उनके साथ शूट किया एंड काफी ऐसे सीन्स बहुत बहुत मजा आया, उनकी काफी इन्वॉल्वमेंट होता है सीन में, वो बहुत एक एक चीज पे ध्यान देते हैं छोटी से छोटी चीज पे, तो बहुत सीखने को मिलता है जब आप ऐसे किसी के साथ काम करते हैं एंड लकीली मैं दूसरी सीरीज भी बहुत बहुत ज्यादा सीनियर आर्टिस्ट के साथ शूट कर रही हूँ, सभी बहुत बहुत दिग्गज है इंडस्ट्री के, तो मैं लकी फील कर रही हूँ कि उसका भी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगी, सारी डिटेल्स शेयर करूंगी एंड आई एम लकी कि मुझे स्टार्ट ही ऐसे लोगों के साथ मिला अपने डेब्यू का, दोनों सीरीज बैक टू बैक आएंगी एंड थर्ड ऑलरेडी मैंने फाइनलाइज कर दी है, तो गॉड हैज बीन काइंड, काफी चीजें हो रही हैं अलग अलग एंड साउथ का भी फिर मेरा एक प्रोजेक्ट आएगा जिसमें मैं थोड़ा सा टफ रोल करूंगी एंड जिसके लिए मैं अपनी काफी बॉडी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा टफ दिखू स्क्रीन पे इस बार एंड तो काफी अलग अलग चीजें हो रही है, लाइफ काफी स्पाइसी चल रही है एंड ऐसी ही चाहिए मुझे लाइफ एंड अपना काम। एब्सोल्युटली। टीवी एंड वेब में काफी ज्यादा कंपैरिजन भी होता है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि टीवी ज्यादा बेटर है या वेब ज्यादा बेटर है, या क्या डिफरेंसेस है? यू नो आई फील वेब ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खोल दी है सब आर्टिस्ट के लिए, यू नो एंड बाकी लोगों के लिए भी, डायरेक्शन ये वो, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, सब पे इतनी सीरीज आती है, बट डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं मूवी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने साउथ में 7 मूवीज की है एंड उसके बाद मैंने हिंदी में मधुर भंडारकर के साथ की थी कैलेंडर गर्ल्स, उसके बाद मैंने पार्वती किया, तो आई थिंक मूवी बैकग्राउंड के बाद मेरे लिए टीवी भी कुछ अलग था
एंड टीवी ने मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क सिखाया, मुझे सिखाया कि आप 14 घंटे एक प्रेशर के साथ कि आपको फुटेज देना है, आपका मंडे टू फ्राइडे शो के आप लीड है, आपका मंडे टू फ्राइडे टेलीकास्ट होगा, एक प्रेशर में काम करना कैसा होता है जब रिस्ट्रिक्शन होते हैं टाइम के, इतने लंबे लंबे आवर्स होते हैं शूटिंग के। तो टीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो शायद मैंने मूवी में नहीं सीखा था। मूवी ने मुझे काफी परफेक्शन सिखाया, चीजों की टेक्निकली समझ जो मुझे आज है, शायद वो साउथ की वजह से है। एंड वेब सीरीज काफी मूवी से सिमिलर है, वैसे ही प्रिपरेशन होती है, वैसे ही शूटिंग होती है, टीवी से काफी अलग है। तो आई थिंक वेब इज मोर लाइक मूवी एक्सपीरियंस, बट मैं तो सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहती हूँ आगे भी। अपने आप को रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं रखना अपने आप को किसी रिस्ट्रिक्शन में, एंड मैं चाहती हूँ बीच बीच में मेरे ऐसे सॉन्ग्स भी आते रहे। सो या आई वांट टू गिव माय ऑडियंस एवरीथिंग, ऑल द फ्लेवर्स। ओके, यू नो वेब सीरीज में काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स भी होते हैं, सो अगर आपको यू नो दिया जाए या मौका, या आपके पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आ जाए, तो आप करना पसंद करेंगी या नहीं? एक्चुअली जब मैं शो कर रही थी तब भी मुझे काफी ऑफर्स आ रहे थे, एंड जब मैंने शो छोड़ा उसके बाद भी मुझे कुछ एकदम से ऑफर्स आए, एंड लाइक यू राइटली सेड ऐसे कुछ थे कि जो स्क्रिप्ट ही सिर्फ इन्हीं चीजों के आसपास ही रिवॉल्व हो रही थी, वो प्लेटफॉर्म्स ही कुछ ऐसे जो सिर्फ ऐसा ही कंटेंट सेल कर रहे हैं, बट मैं फ्रेंकली उसमें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मेरी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर इस सीन तो ठीक है, बट अगर मैं इसी बेसिस पे अपनी स्क्रिप्ट बेच रही हूँ या मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसा ही कॉन्टेंट दिखाता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने में, ना ऐसी स्क्रिप्ट में। बट अदरवाइज लाइक आई टोल्ड यू, रिस्ट्रिक्शन एज एन आर्टिस्ट मुझे अपने नहीं रखने। आगे अगर किसी स्क्रिप्ट में ऐसे रिक्वायरमेंट्स होंगे, ऐसे कोई सीन्स होंगे जो मेरी स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है, मेरे कैरेक्टर के लिए, तो आई एम ओपन टू डू एनीथिंग लाइक दैट। ओके, आकांक्षा आप काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड है और सारी यू नो कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ट्रोलर्स को काफी अच्छा जवाब देती है, तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है या हाउ डू यू फाइट बैक विद दिस? I think it's because of my fans, supporters and people like you जो मुझे हमेशा support करते हैं। I think this is my strength and मैं हमेशा से strong headed रही हूँ, मैं बहुत independent रही हूँ, शुरू से अकेली रही हूँ मैं ना कभी किसी के साथ रही, ना मैं किसी live-in relationship में रही, मैंने हमेशा अपनी life को अकेले lead किया है। मेरे parents ने भी मुझे हमेशा से ऐसे ही independent रखा, ऐसे ही बड़ी हुई हूँ मैं, अपने decisions मैं own करती हूँ और अपनी सारी गलतियां भी मैं ओन करती हूँ, मैं किसी और पे के मत्थे नहीं मारती अपनी गलतियों को, मैं सारे डिसीजंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ के, और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हूँ। एंड स्ट्रेंथ मेरे फैंस, मेरे सपोर्टर्स एंड डेफिनेटली मेरी फैमिली से मुझे मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी, और आगे भी मैं ऐसी ही रहूंगी, मुझे चेंज नहीं होना ना किसी इंसिडेंट की वजह से, ना किसी ट्रोलिंग की वजह से। जिसे मैं पसंद हूँ ठीक है, नहीं है तो ओके फाइन, बट आई एम नॉट गोना चेंज। ओके, यू नो हर एक्टर का सपना होता है कि कुछ यू नो पर्टिकुलर रोल प्ले करने मिल जाए, तो आपका कुछ सपना है कि आपको किस तरह का रोल प्ले करना है? आई थिंक एक सपना तो मेरा सच हो रहा है, मैं जिनकी फैन थी, जिनके साथ काम करना चाहती थी एज एन आर्टिस्ट, उनके साथ कर रही हूँ एंड कर लिया है। मेरा शूट ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, 2-3 बस सीन पेंडिंग है, बाकी काम पूरा हो चुका है एंड बाकी चीजें तो हो रही है। बट मैंने किसी और से भी कहा था कि मैं एक पीरियड ड्रामा करना चाहती हूँ, ओवर द लाइक लार्जर देन लाइफ जो दिखाते हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल फेमस कोई कैरेक्टर है जिनके वैसे सेट्स होते हैं, वो जो लुक, मैं मुझे काफी शौक भी ऐसी जगह जाने का भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो जब भी मैं वहां पे देखती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स से फैमिली से कि यार काश कोई टाइम मशीन होती, मैं चली जाती, मैं ये क्वीन बनती, मैं ये प्रिंसेस बनती, मैं इस फोर्ट में रहती एंड मैं ये सब फाइट मैंने करी होती। यू नो जब मैं वो सुनती हूँ तो मैं वैसा कुछ, अभी हम टाइम मशीन से तो जा नहीं सकते, बट मैं एक कैरेक्टर में वो चीज जरूर जीना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ मुझे मिले, आई एम श्योर मुझ पे काफी सूट होगा। तो या सो थैंक यू आकांक्षा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, काफी कुछ पता चला आपके बारे में। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।